क्वेश्चन नंबर आपका ए टू है। क्वेश्चन में बोला गया है इफ टू एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 4:5 फाइंड द मेजर्स ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के जो एडजेसेंट एंगल है उनका रेशियो दे रखा है आपको 4:5। एडजेसेंट एंगल मतलब आमने सामने वाले जिनका सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो यहां पर एंगल ए 4 और एंगल बी 5 दोनों का रेशियो दे रखा है। मैंने कहा है आपको रेशियो से अगर मुझे एक्चुअल वैल्यू में निकालना होता है तो किसी न किसी एक चीज का मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहां पर हम मान लेते हैं 4x और 5x। अब यहां पर एडजेसेंट एंगल का मैंने आपको डेफिनेशन बताई है, दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है जिसमें एंगल है 4x एंगल बी 5x। तो कितना हो गया ये 9x 180 डिग्री। तो x इक्वल टू कितना हो गया 180 अपॉन 9। तो x इक्वल टू कितना हो गया, मतलब एडजेसेंट एंगल एंगल ए की वैल्यू कितनी थी हमारे पास में 4x, मतलब 4 × 20 कितना हो जाएगा 80 डिग्री। एंगल बी इक्वल टू 5x 5 × 20 कितना हो जाएगा। और पैरेललोग्राम बताया एंगल ए एंगल सी के इक्वल होगा, मतलब एंगल ए की वैल्यू 80 डिग्री है तो एंगल सी की वैल्यू भी 80 डिग्री होगी। एंगल बी की वैल्यू 100 डिग्री है तो एंगल डी की वैल्यू भी 100 डिग्री होगी। क्लियर है सभी को? क्यों मैंने आपको बताया था पैरेललोग्राम में इधर जैसे इस टाइप से ए सी के इक्वल हो, ए सी के इक्वल होगा और बी डी के इक्वल होगा। आई होप आप लोगों को सभी समझ में आ गए। थैंक यू।